कमिंग टू द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम, 7 फेजेस। फेज वन विल स्टार्ट from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक festival है तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 March की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की first phase के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्यौहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस, ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ द सम हॉलीडे द डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मे। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून। इट विल लुक लाइक दिस।
विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड फेज फाइव में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. फेज सिक्स में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th ऑफ अप्रैल एंड फिनिशिंग ऑन 25th ऑफ मे 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून. तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th. एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दिस इज हाउ द मैप विल लुक. येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन. वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. यह भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, यह भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज वन में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज टू में 89, फेज थ्री में 94, फेज फोर में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. दो राज्य चार बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. तीन फेज में दो जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. चार फेज में तीन जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. फाइव फेज में दो जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी. और सात फेज में तीन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशन ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.